वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा ट्राई के नया रूल एनटीए 2.0 के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्रैल भी ख़त्म होने के कगार पे आ गया है और ट्राई का एनटीए 2.0 आखिर कब लागू होगा और इससे क्या ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूं, ट्राई का जो नया रूल एनटीए 2.0 आया था जनवरी 1 को आया था, ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। इसमें बेसिकली तीन चार चीज़ें लेकर आया गया था। पहला नेटवर्क कैपेसिटी फी था, जिसमें 130 रुपीज़ में आपको 200 प्लस 25 डीडी के चैनल्स एफटीए मिलेंगे। इसके अलावा 160 प्लस जीएसटी अगर आप पे करते हो तो उस पर आप अनलिमिटेड चैनल ले सकते हैं जितना आपके डीपीओ पे अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों था मल्टी कनेक्शन पॉलिसी, यानी कि किसी भी ग्राहक के घर में एक से ज़्यादा सेट बॉक्स अगर लगा है सेम कंपनी का तो आपको पहले बॉक्स के लिए एज ए नेटवर्क कैपेसिटी फी 153 पे करना पड़ता था और सेकेंडरी बॉक्स के लिए 40% प्लस जीएसटी लगभग 61 रुपीज़ के आसपास पे करना होता था, जिसमें आपको 200 एफटीए चैनल मिल जाता था। इसके अलावा जो आप पे चैनल लेंगे उसकी भुगतान विथ जीएसटी अलग से करना था। और इसके साथ साथ जो तीसरी और इम्पोर्टेंट मांग था ब्रॉडकास्टरों की तरफ से कि जितने भी पैकेज ब्रॉडकास्टर बनाएंगे उन पैकेज में जो भी चैनल्स रहेंगे उन चैनलों की प्राइस या तो 12 रुपये या 12 रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी कहा गया था कि किसी भी बुके में जो चैनल हो उन सभी चैनलों का अलकाटे बेसिस पे भी जो प्राइस हो 30% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। इन सारी मुद्दों के वजह से अभी तक एनटीए 2.0 लागू नहीं हो पाया है। यहाँ पे लोगों का टीवी का बिल बढ़ता ही जा रहा है और इस लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ अर्निंग का सोर्सेस ख़त्म हो गया लोगों का, वहीं पे अब रिचार्ज भी महंगा होने लगा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहाँ ब्रॉडकास्टर पुराने जो पैकेजेस थे वो भी अब इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे अभी रोक के रखा गया है। मुद्दा ये है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जो ट्राई एनटीए 2.0 और एमएसओ के बीच में जो केस चल रहा था, जिसमें ब्रॉडकास्टर का डिमांड था कि उन्हें बुके बनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, किसी भी बुके में जो चैनल ऐड करना चाहें वो कर सकें, तो इन सारे लॉकडाउन की वजह से सारे मुद्दे अभी ठंडे पड़ गए थे, लेकिन इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ ग्राहक ही कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि केबल टीवी में नेटवर्क कैपेसिटी फी और मल्टी कनेक्शन का पॉलिसी तो लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन डीटीएच में लागू कर दिया गया था, लेकिन केबल टीवी में अभी तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे केबल टीवी के ग्राहकों और डीटीएच के ग्राहकों को एक लंबे अरसे से इंतज़ार रह रहा है कि क्या उनका टीवी का बिल कम होगा या इसी तरीके से उन्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन खुलते ही यहाँ पे ट्राई को सख्त हिदायत देनी होगी ब्रॉडकास्टरों को, साथ ही डीपीओ को भी, कि जल्द से जल्द ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो ग्राहक है उसे सहूलियत मिल सके। अगर ऑलरेडी 2-3 महीना केस चल चुका है, अभी तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। जिस तरीके से रूल आया था कि अप्रैल तक फाइनली रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में तो कोई भी रूल अब इम्प्लीमेंट होने के चांस है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ निर्णय हो नहीं पाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जल्द से जल्द ट्राई को एक ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो ब्रॉडकास्टर का बुके है वो नए लॉन्च हो रेट कम करके, साथ ही जो अलकाटे प्राइस है 12 रुपये या 12 रुपये से कम हो ताकि ग्राहकों का टीवी का बिल कम हो सके। इन सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी ग्राहक 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं और जेब पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिए कि कौन कौन सा मैटर और उठाना चाहिए ताकि ये वीडियो जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस पर भी कार्रवाई हो सके। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।